ओके, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड नाउ. सो लेट्स से गुड मॉर्निंग अगेन. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू डिज़ाइन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड एड एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस टू इट. सो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आरिश. हैप्पी लोहड़ी सर। और किसका इंटरनेट ठीक है और लैपटॉप पे कर रहे हैं? नहीं तो फिर हम अमनप्रीत को दोबारा बोलेंगे. वही आज भी फिर डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए सामने आए वो. क्या बात. ओके, फिर मैं ही अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ. और कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप लोग, अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगा तो मेरे को ये वाला व्यू नहीं नज़र आएगा. और उस केस में अभी हम लोग 23 हो गए हैं तो शायद 2 जने और बचते हैं क्लास के लिए. ठीक है, तो लेट अस सी, इट शुड गिव मी ए मैसेज. दिस टाइम लेट मी डू ए विंडो और टेस्ट. ठीक है, ये हमने एक, मैं नए सिरे से पीपीटी, पहले मैं इसको वो कर दूं. नए सिरे से ये हमने एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाई. और हमने पिछली बार ये देखा था कि किस तरीके से इसके अंदर हम वेरियस चीज़ों को इंसर्ट करते हैं. आप लोगों को जब भी कोई काम करना हो तो होम रिबन, होम टैब के अंदर, ये इसको हम रिबन बोलते हैं, यहाँ से आपको ज़्यादातर चीज़ें यहीं से ही मिल जाएंगी. बेसिकली जो रूटीन का काम करना होता है उसके लिए हम होम टैब को यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें यदि उसमें डालनी हो तो हम, जैसे इंसर्ट, तो किसी कोई भी चीज़ के अंदर ये इतनी सारी चीज़ें हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं. एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है, कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, जो कंप्यूटर में है वो यहाँ से आएंगी, जो ऑनलाइन पिक्चर्स हैं वो इधर से आएंगी. फिर हमें स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपने कुछ बनाया और उसको वो करने के लिए, फिर फोटो एल्बम आप उसको क्रिएट कर सकते हो, आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो बन जाएंगी. और ये डिफरेंट शेप्स हैं, कोई भी इसके अंदर से एरो लगा, और उसको यूज़ करने का बड़ा सिंपल है. जैसे सबसे पहले हम एक नई स्लाइड क्रिएट करते हैं, वो हमारी होम स्लाइड है, ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई. अब इसमें हम शेप, शेप के अंदर जैसे पहला है ये टेक्स्ट बॉक्स हम बनाते हैं. डिपेंडिंग ऑन आपका लेआउट स्क्रीन का, उसके हिसाब से ऑलरेडी एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ होता है, बट आप लेआउट चाहो तो चेंज भी कर सकते हो. जैसे ये लेआउट है, इधर लेआउट में से आप ब्लैंक भी सिलेक्ट करेंगे तो कोई लेआउट, उसके अंदर आप अपने हिसाब से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो. और मान लो आपने यहाँ पर कोई इमेज इंसर्ट कर दी, जैसे हम एक इमेज यदि लें तो ये हमने एक इमेज कॉपी किया और इधर इसको हम यदि पेस्ट कर दें तो ये जैसे ही इमेज इसके अंदर पेस्ट हो जाएगी वो हमारा स्पेस उधर से निकल जाएगा. यहाँ से हम कह सकते हैं दैट प्रीकॉशंस फॉर वायरस प्रोटेक्शन. अब हमें इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो या तो ये यहाँ से आपको बॉक्स मिल जाएगा और इसके नीचे की ट्रायंगल को क्लिक करेंगे तो पूरा हमें वो दिखेगा, दिस वी कैन इंसर्ट. सो अभी मान लीजिए हमें यहाँ पे इस इमेज का नाम देना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे ऊपर और इधर से इसका टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा. ये आपने इस तरीके से ये बना दिया, बाहर क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा. अब इस टेक्स्ट को किस तरीके से प्रोसेस करना है, आप
ये टेक्स्ट जब प्रोसेस होगा, जब ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप वर्ड को क्लिक कर लीजिए, वो एक जो भी सिलेक्ट किया है उस उसके ऊपर प्रोसेस होगा, पूरे के पूरे इस वर्ड ब्लॉक के ऊपर करना है तो डॉटेड लाइन जो है आप ऐसे करें और उसको क्लिक कर लो, तो वो डॉटेड लाइन से सॉलिड लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर आप उसको जैसे कंट्रोल बी करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, यहाँ से ऊपर से भी आप देख सकते हो होम के अंदर। देखो अब आप ये देखो रिबन के अंदर सब कुछ एक्टिवेट हो गया है यहाँ पर, और यदि मैं इससे बाहर क्लिक कर लूँ, मैंने इसको हटा दिया, तो कई सारी चीज़ें ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गई, यानी वो अब डीएक्टिवेटेड है। तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप समझ जाता है कि आपको कोई काम करना है, किस चीज़ के ऊपर आपने एक्शन लेना है। तो अभी हम जैसे इस वर्ड के टेक्स्ट मैसेज के ऊपर हम एक्शन लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो गई। तो ये है हमारा फॉन्ट को डील करने के लिए। हम बी को क्लिक करेंगे, आई से करेंगे इटैलिक्स बन जाएगा, यू को क्लिक करेंगे अंडरलाइन हो जाएगा, शेडिंग को करेंगे तो उसमें शेड आ जाएगी, इसको क्लिक करेंगे तो ये स्ट्राइक आउट बोलते हैं इसको। लीगल डॉक्यूमेंट्स में कई बार हम कुछ ऐसा मैसेज देते हैं जो हम लिख दिया बट वो दिखाना भी है, और हम उसको इनवैलिड भी कहते हैं कि ये इनवैलिड है यहाँ पर। तो उसके हिसाब से एक मैं पहले देखूँ क्लास के अंदर कोई और वेट तो नहीं कर रहा। ओके नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से उसके अंदर हम उसको स्ट्राइक आउट करेंगे। फिर इसमें ये यहाँ से इसके केस चेंज करने का है, सेंटेंस केस। आप देखो नीचे लोअर केस, ये इसको आप लाओगे तो अपर केस हो जाएगा, ईच वर्ड कैपिटल हो जाएगा, और टॉगल का मतलब उल्टा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्विक वे है उसको वो करने का। और फिर आप यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो कौन से फॉन्ट में करना है, और वो उसी तरीके से उसके फॉन्ट, अच्छा ये क्योंकि इसके बॉक्स के नीचे आ गया, वो आपको पहले उसको हम थोड़ा सा इधर सर कर लेते हैं ताकि आपको दिखता भी रहे। अब हम फॉन्ट को सेलेक्ट करें तो आप देखो जिस भी फॉन्ट के ऊपर आप लाओगे वो उसके हिसाब से वो फॉन्ट चेंज होता रहेगा। लेकिन ये फॉन्ट जो है ना दिखने में बड़े फैंसी से लगते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करो वो ऐसा होना चाहिए कि जब वो डिस्प्ले हो रही है तो दूर से जो पीछे जो आपके ऑडियंस है उनको प्रॉपर तरीके से नज़र आए। इसलिए ज़्यादातर हम लोग सांस सारिफ फॉन्ट वो बोलते हैं जिसको जिसकी लेटर्स की हाइट विड्थ जो है वो पैरेलल होती है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, या ये वाला आप देखो। अभी हम जैसे इसको टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट कर दें, टाइम्स न्यू रोमन, और इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को वो ज़्यादा क्लियर रहे। अब आप ये देखो दोनों में क्या फ़र्क है, और इसको एक और काम करते हैं हम, आधा आधा इनको चेंज कर देते हैं, और एक को हम बना देते हैं एरो एरियल, और वो हटा देते हैं ये इसका इटैलिक्स ताकि दोनों सेव। अब ये देखो आप दोनों में डिफरेंस, और बेटर ये है कि मैं इसका जो स्ट्राइक आउट है वो भी हटा देता हूँ। अब ये सेफ्टी वर्ड जो है वो टाइम्स न्यू रोमन के अंदर लिखा हुआ है, और मेजर्स जो है वो एरियल फॉन्ट है इसके। आप देखो एम ई इसकी जितनी भी साइड है वो पैरेलल हैं, लेकिन सेफ्टी के अंदर आप देखो वाई की एक ब्रांच थिक है, दूसरी ब्रांच थिन है। टी के अंदर ऊपर से वो थिक है, नीचे जाते जाते थिन हो गया। ए के अंदर एक पोर्शन थिक है, एक पोर्शन थिन है। एस स्टार्टिंग में थिन है फिर थिक होता चला जाता है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा कि यदि आपका टेक्स्ट बहुत ज्यादा है या स्क्रीन पे दूर की विजिबिलिटी है, कोई इसको आपके स्क्रीन को आपकी प्रेजेंटेशन को दूर से देखेगा तो उसको टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट पूरे तरीके से पढ़ने में नहीं आएगा। तो हमें फॉन्ट ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जो दूर से विजिबल हो। ऐसे फॉन्ट्स को हम ये
सन सारिफ फ़ॉन्ट जैसे एरियल है, हेलवेटिका है, तो उन फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट करना चाहिए, उससे विजिबिलिटी अच्छी रहती है उसकी। और उसी तरीके से अब ये आपने सेलेक्ट कर लिया, तो इतनी सारी चीज़ें आप इसको बॉक्स जब सेलेक्ट हो गया, तो जैसे यहाँ से मैं इसको शेप फिल करूँ तो वो शेप फिल हो जाएगा। उसी तरीके से उसकी आउटलाइन बनानी है, अभी आउटलाइन का कलर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप चाहो तो उसको आउटलाइन, अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन को ला रहा हूँ तो ग्रीन हो रहा है, ये ब्लू आ गया। तो उस तरीके से आप कलर को उसको चेंज कर सकते हो ये। और साथ के साथ ये सेलेक्ट करने के बाद आपको चाहे कि अभी भी वो दिख नहीं रहा है, आपको थोड़ा सा और जो उसकी बॉर्डर को मोटा करना है वो, अब ये एक तरीके से स्टिकर बन गया तो हाईलाइट करने के लिए। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को मैनिपुलेट करेंगे। तो ये हमारा आ गया टेक्स्ट बॉक्स जो हमने यहाँ से लिया। उसी तरीके से बाकी चीज़ें भी आप इसको कर सकते, जैसे ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, अलाइन टेक्स्ट है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये कैसे जाएगा, मिडल में रहेगा और बॉटम में रहेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बॉक्स कितना है और जिसमें ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो वहाँ पर टेक्स्ट को उसकी अलाइनमेंट करेगा। और इसी को यदि आपने स्मार्ट आर्ट में क्रिएट करना है तो ये चीज़ें किस तरीके से उनको अभी इस तरीके से ये स्मार्ट आर्ट के अंदर चीज़ें सेफ हो जाएंगी। जैसे हमने सेफ्टी मेजर्स लिखा हुआ है तो ये उनको उस डायरेक्शन में अपने आप, मान लो जैसे आप उनके प्रेजेंटेशन में दिखाना है और आप इसका अब आप साइज बड़ा करोगे तो ये बड़ा होता चला जाएगा। वो डिपेंड करना है कि आपने कौन कौन सी बॉक्सेस को या पूरे बॉक्सेस को, केवल एक बॉक्सेस को और फिर अलग उसको निकालना है तो आप उसको बॉक्स को अलग भी निकाल सकते हो वहाँ से। ये वो डिज़ाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप लोग उस वक्त किस चीज़ की डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हो। और टोटल ये उसका जो इसके अंदर वो चीज़ है, आपको कॉर्नर्स देखकर और उन कॉर्नर्स को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है वो अरेंज करने हैं वो सभी। तो वो डिज़ाइनिंग है जो आपको पहले सोचनी है। अब जब आप डिज़ाइन यहाँ पर, फिर आपको लगता है कि कलर अलग अलग चाहिए तो आप अलग अलग कलर उसके एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपने उनके अलग अलग डिज़ाइंस में इस तरीके से बना दिया। अब आप इसके तीनों चीज़ें लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हो वियर मास्क, और आपको लगता है कि यदि ये थोड़ा छोटा है तो बढ़ा करके और उसकी पोजिशन को आप वहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और ऐसे ही वॉश योर हैंड्स, वॉच योर डिस्टेंस, वो किया। और ये, और यदि इसको थोड़ा सा और आर्टिस्टिक करना है, जैसे ये शेडिंग है तो आप देखो उसके कॉर्नर्स जो है वो शेडिंग वाले बन गए। तो डिफरेंट इतने सारे फॉर्मेट हैं, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, 3D का इम्प्रेशन देगा ये। तो जैसे कीबोर्ड के बटन होते हैं वो उस तरीके से बटन बन जाएगा। ये आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको इसी के अंदर और जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे ये लाइन, आप इसको सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट इज फॉर एरो हेड विथ, तो वो एरो ये आप यहाँ पे दिख रहा है सिंगल एरो, और यदि आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे तो डबल एरो, ये इसके दोनों तरफ डबल एरो बन जाएगा। आपको इसकी थिकनेस को इनक्रीज करना है तो शेप आउटलाइन में जाकर और आप उसकी विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपको प्रेजेंटेशन में किस तरीके से उसको दिखाना है वहाँ पर। ये किया, अब एक स्लाइड और डालते हैं। आप न्यू स्लाइड को क्लिक कर सकते हो या कंट्रोल एम, एक उसका शॉर्टकट है, वो हमने किया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्लाइड नंबर 3, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये हमने इसमें, अब हमारा टेक्स्ट बन गया। अब हमें कुछ ये है कि इसके अंदर, ओके, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इस अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली को हम टाइटल बना देते हैं और इधर हम लिखते हैं स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ एजुकेशन
टूल ऑफ लॉ स्कूल ऑफ साइंस एटसेट्रा, ठीक है। और जब आप इसको प्रेजेंटेशन मोड में चाहोगे तो ये सारा ऐसे दिखेगा, बट आप ये चाहते हो कि वो एक एक करके आए, तो उसके लिए हम उसके अंदर ट्रांजिशंस तो होती है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाना, और एनिमेशन होता है विद इन द स्लाइड किस तरीके से वो इफेक्ट करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ये इमेज है और लेट अस सी, इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट किया और आप इसका साइज को भी थोड़ा छोटा कर सकते हो, और ये हमने इधर एडजस्ट किया, इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे और होम और सेंटर बोल्ड, और अब ये, अब हम इसमें ये एरो इधर से इधर बनाया और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ओके, और इसकी आउटलाइन को बड़ा कर दो, और आउटलाइन का शेप कलर भी चेंज कर दिया, ठीक है ये। और बाकी ये लाइनें जो हैं इसको आप चाहो तो ऐसे आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ये हमने इधर किया और ये आप इधर से इधर, अब हम ये चाहते हैं कि एक एक करके स्क्रीन पर आए, तो आप जिस ऑब्जेक्ट को पहले लाना है उसको सिंगल क्लिक करो, एनिमेशंस, और ये इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास अब कि एनिमेशंस में वो कैसे कैसे दिखे एंट्रेंस में। जैसे मान लीजिए पहला फोटो है हमने किया है अपीयर, दूसरा ये आ गया तो इसको हम करेंगे फ्लाई इन, तीसरा हमारा इमेज है और उसको आप करते हो फ्लोट इन। अब ये, और आप देखो जैसे जैसे आप इन चीज़ों को ढूंढते हो तो वो उनको सीक्वेंस में देता जाएगा 1 2 3, सो आपको पता है कि पहले कौन सा जाएगा, फिर कौन सा जाएगा, फिर कौन सा जाएगा, और ये स्टेशनरी रहेगा। तो जब आप इसको स्लाइड शो में करेंगे तो अभी जो हमारा स्टैटिक है जिसको हमने चेंज नहीं किया वो विजिबल रहेगा, और बाकी जैसे जैसे आप उनको करेंगे ये अपीयर हुआ, फिर ये एरो आया, और इस तरीके से ये इमेज, तो इस तरीके से ये हमें एनिमेशंस इसके अंदर इंसर्ट हम करते हैं। फिर ये हमारी टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आप चाहते हो ये सारा आपने एक ब्लॉक के अंदर लिख दिया, इसके दो तरीके हैं, या तो आप अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स बनाकर, और एक मिनट, ओ शिवांश इज वेटिंग, ओके, सो आई हैव एडिड शिवांश, तो ये हमने टेक्स्ट लिखा है। अब हम ये चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है वो एक एक करके स्क्रीन पर आए जब हम यूनिवर्सिटी को दिखाना चाहें वहाँ पर, तो आप क्या करोगे, या तो अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स बना दो, नहीं तो एक बार आपने इसमें लिख दिया फिर आप उस पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करो। ये हमने हमारा एक बुलेट हमने सेलेक्ट कर लिया और हम इसको कहते हैं कि चलो ये फ्लाई इन, फिर दूसरा, तीसरा, और ये फोर्थ। तो अब आप इसको प्रेजेंटेशन मोड में शुरू से चले, ये हमने किया, और आप कीबोर्ड से यदि F5 दबाएंगे तो भी वो प्रेजेंटेशन मोड में चला जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, या तो सॉफ्टवेयर के अंदर से सेलेक्ट कर लो, नहीं तो आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जो F5 है वो प्रेस करेंगे तो भी ये प्रेजेंटेशन मोड में आ जाएगा। अभी अच्छा ये बताओ, आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन मोड में दिख रहा है? नो सर। ओके, मुझे अब इसकी प्रेजेंटेशन मोड चेंज करता हूँ मैं, फिर
तो ये हमने स्लाइड बनाई, अब हम इसको प्रेजेंटेशन मोड में देखेंगे कि हमने जो एनिमेशंस डाले हैं वो किस तरीके से अपीयर होंगे। तो ये हमारा कवर स्लाइड है जिसमें हमने टाइटल और जो भी ऐड किया वो, उसके बाद अब एनी की दबाएंगे तो वो नेक्स्ट पर जाएगा, तो एक एक करके करेंगे तो वो चीज़ें उस तरीके से अपीयर होंगी ये, फिर नेक्स्ट। अब हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर एक एक बुलेट को एक एक एनिमेशन दिया है, तो वो इस तरीके से एक एक करके आएगा। तो उसका तरीका वही है सिंपल कि आपको एडिटिंग मोड में रहना है और जिस भी वर्ड को करना है उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और इनमें से जितने भी ये एनिमेशंस की आपको टाइप्स दिख रही हैं आप हर एक को ट्राई कर सकते हो। जैसे पहले वाला नीचे से ऊपर फ्लाई होकर जा रहा है, हम चाहते हैं कि दूसरे वाले का हम चेंज कर दें, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया। तीसरे वाले को आप वाइप कर दीजिए और चौथे वाले को हम शेप कर दें। ये शेप का मतलब वो डायमंड शेप के अंदर। और अब आप इसको दोबारा देखो, ये किया तो ये पहला नीचे से ऊपर गया, दूसरा स्प्लिट हुआ, तीसरा अपीयर हुआ और चौथा इस तरीके से डायमंड, क्योंकि वो छोटा है। आप इसको दूसरे यदि इसके ऊपर भी इसी तरीके से एनिमेशन करें कि मान लो ये जूम करें और ये वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको हम चाहेंगे कि ये घूमे, तो ये इस तरीके से ऐसे ये घूमे। अब आप इसको देखो, हम हमारा पहला ऑब्जेक्ट अपीयर जो छोटे से बड़ा होता जाता है ये आया और ये इस तरीके से ये घूमता है, स्वाइल बोलते हैं जिसको। तो वो हमारी एनिमेशंस हैं। तो ये इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं और नन का मतलब कोई एनिमेशन नहीं रहेगा, एंट्रेंस का मतलब अपीयर कैसे होगा वो, एम्फेसिस होता है जब आप उसको डिस्प्ले कर रहे हो वहां पर, और एग्जिट का मतलब क्विट करते वक्त, चेंज होते वक्त वो कैसे दिखे, जैसे फेड हो जाए, डिसअपीयर हो जाए। वो आप टीवी के ऊपर जब आप सीरीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो कोई सीन जब चेंज होता है तो आप देखते हैं कि वो धीरे धीरे किस तरीके से फेड आउट होता है, डिसअपीयर होता है, वो चीज़ें। तो ये और इसके बाकी सारे ये इतने एंट्रेंस इफेक्ट हैं जो आपको आप यहाँ पे करेंगे तो ये पूरा आपको ऑप्शंस देगा कि बूमरैंग, आपने मान लो किसी चीज़ को सेलेक्ट करके और बूमरैंग आप करो तो ये ऐसे देखो वो चेंज हो गया, या बाउंस, ये ऐसे बाउंस जैसे सीढ़ी के ऊपर से वो होकर आ रहा है, या राइज अप, या कंप्रेस, या ग्रो एंड टर्न, फ्लोट डाउन, सेंटर रिवॉल्व, इस तरीके से, या स्पिनर, ये स्ट्रेच, ठीक है। फिर सटल है, छोटा सा जस्ट धीरे धीरे या स्लोली जूम करेगा, फेड आउट होगा, वाइप, वेज, इस तरीके से धीरे धीरे वो उसकी वो करेगा। तो ये आपको इस तरीके से इसमें आप उनके एनिमेशंस को आप वो डाल सकते हो। ये तो है हमारा एनिमेशंस का पार्ट। अब दूसरा है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन होता है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में ट्रांजिशन जाने के लिए। तो ये आप पहली स्लाइड तो नॉर्मल है, ठीक है, जैसे स्क्रीन पर आप ओपन करते हो। सेकंड, अब आप जाते हैं कि ये स्लाइड मेरी ट्रांजिशन, अभी पहले आप ये देखो कि ये दिखता कैसे है। ओके, अब हम इस स्लाइड के अंदर एक इमेज और डाल लेते हैं। तो हम करेंगे इंसर्ट और से पिक्चर्स, पिक्चर्स में अब हम ये वाली पिक्चर ऐड करते हैं। ये हमने एक पिक्चर इधर लगा दिया, ठीक है। अब आप ये देखो, जब हमने पिक्चर हमारी सिलेक्टेड है तो पिक्चर टूल्स एक्टिवेट हो गया, यानी हम इन सभी चीज़ों के ऊपर पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये इसका पिक्चर का स्टाइल है।
ऐसे करेंगे तो सिंपल छोटा सा एक उसका फ्रेम बनेगा चारों तरफ, ये करेंगे तो वो डार्किश हो जाएगा, ये करेंगे तो थिक फ्रेम बनेगा, शेडो उसका रिफ्लेक्शन इसमें, ये इसके फेडेड फ्रेम्स, डार्क फ्रेम, राउंड शेप, मोर देन वन फ्रेम, वेरी डार्क फ्रेम, ये हाइलाइटेड, इसके अंदर एंगुलर, राउंड विद फ्रेम, विद स्क्वेरिश राउंडेड फ्रेम्स, विद शेडो, डार्क शेडो, स्लांटेड, जैसे आपको लगता है ना 3D टाइप में दिखे वो ऐसे, या दूसरी साइड का तिरछा, एंगुलर, तो ये मतलब आप जिस भी उसको करना चाहें ये इस तरीके से आप सेलेक्ट करो तो वो आपको फॉर्मेट में आपका इमेज कन्वर्ट हो जाएगा। मोस्टली हम इसको ऐसे करते हैं, जैसे किसी का फोटो लगाना है तो वो फोटो के अंदर आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। अभी हमारा बाय डिफॉल्ट ये इसका पिक्चर का बॉर्डर ब्लैक है, आप यहाँ से पिक्चर के बॉर्डर के कलर को आप चेंज कर सकते हो, तो आप जो भी सिलेक्ट कलर करोगे वो हमारा बॉर्डर वहाँ से चेंज हो जाएगा। और पिक्चर इफेक्ट, ग्लो, रिफ्लेक्शन, शेडो जो जाननी है तो वो एक्स्ट्रा शेडो, आप नीचे देखते जाओ वो उसके अंदर, जैसे आपने शेडो किया तो ये आप कलर के साथ साथ एक हल्का सा शेडो भी उसके अंदर आ गया, तो वो आप उसको उसी तरीके से पिक्चर का लेआउट, पिक्चर का लेआउट होता है टेक्स्ट के साथ वो किस तरीके से एडजस्ट होगा, और आप मान लो ये कर रहे हो वो उसके साथ में आपने कोई उसका टाइटल देना है, तो हम यहाँ से इसको कह सकते हैं लर्निंग, तो ये मेरा फोटो और उसका एक आर्टिस्टिक, और आप उसके साइज को ड्रैग करके टोटल ओवरऑल बिगर में बना के, और आप उसको, और इसी तरीके से आप अंदर को इसको क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ से इसके कलर दिखा सकता है, आपको जो कलर चाहिए उसका इमेज या तो उसके सिलेक्शन में से ले लो, और नहीं तो आप राइट क्लिक करो और यहाँ से फिल ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप सेलेक्ट करके दूसरा जो भी आप कलर डाल के उसको दिखाना चाहते हो वो। सिंपल चीज़ें आपको याद रखनी है कि जिस चीज़ के ऊपर वो प्रोसेस होगा वो चीज़ सेलेक्ट होनी चाहिए, ये हमने किया। अब हम ट्रांजिशंस को देखते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है, देन सेकंड स्लाइड, हम फर्स्ट स्लाइड से सेकंड स्लाइड में कैसे जाना चाहते हैं, ये आपके बहुत बढ़िया बढ़िया इसके अंदर एग्जांपल्स। अब हम क्या करते हैं, पहले मैं इन दोनों स्लाइड्स को रिपीट कर देता हूँ, ये कंट्रोल सी और कंट्रोल वी आप सेलेक्ट करो, कॉपी एंड पेस्ट करते चले जाओ, तो ये हमारी स्लाइड्स रिपीट हो गई, ताकि एनिमेशंस में हमें उसका वो रहे। अब फर्स्ट इज मॉर्फ, तो ये एक साइड से दूसरी साइड में मॉर्फ, ये वाली स्लाइड ऐसे मॉर्फिंग में आएगी। नेक्स्ट इज पुश अप, देन थर्ड इज लेट अस से स्प्लिट, फिफ्थ रैंडम बार्स, सिक्स्थ ओके इनमें से लो आप कौन सा अच्छा आपको लगेगा, ओके क्लॉक की तरह, एंड सेवंथ, एंड यू कैन से लेट अस सी, ओके लेट अस सी डिसॉल्व, ठीक है ये। और अब आपको एक और आइडेंटिफिकेशन कि जब आप कोई भी ट्रांजिशन और एनिमेशन डालोगे तो स्लाइड प्रीव्यू पेन के अंदर स्लाइड नंबर के साथ आपको स्टार मार्क आ जाएगा, पहली स्लाइड पे कोई नहीं है तो इसलिए वो ब्लैंक है, ये आइडेंटिफिकेशन होता है आपको बताने के लिए कि उस स्लाइड में कोई एनिमेशन ट्रांजिशन है या नहीं है, स्टार मार्क से आपको पता लग जाएगा। ये तो हमने डाल दिए, अब इसकी सेटिंग्स हमें देखनी होती है। इन इफेक्ट्स को करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे कि आप इसके अंदर जब ये चेंज हो तो कोई साउंड आए या नहीं आए, जैसे आप कर सकते हो यहाँ से चेंज होगा तो वुश की साउंड करेगा, कितनी देर तक रहेगा वो, और
ये केवल एक पर रहे या सभी के ऊपर वो चीज चला जाए, और एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे कैसे जाओगे आप लोग, माउस क्लिक या ऑटोमेटिक भी आप कर सकते हो, तो और कितनी देर में, जैसे आप उसको माउस क्लिक करेंगे तो वो टाइम भी आप एडजस्ट कर सकते हो कि क्लिक होने के बाद कितनी देर तक वो उसमें इफेक्ट हो उसका। तो अभी हमने माउस क्लिक को रखा हुआ है, आप इसको हटा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली भी ले लेगा, एक बार प्रेजेंटेशन स्टाइल में चलेंगे तो, बट वो आपके लिए एक डिफिकल्टी हो सकती है कि आप किस स्लाइड के ऊपर कितनी देर लेते हो उसको एक्सप्लेन करने में। तो ये हमने एनिमेशन डाले, अब हम देखते हैं कि ये दिखती कैसी है। तो लेट अस गो टू द फर्स्ट स्लाइड, स्विच टू स्लाइड शो मोड। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं एनी की प्रेस करूंगा तो ये एक देखो आवाज आई थी वापिस से ये। अच्छा आपको इसके अंदर डायरेक्टली नहीं सुनाई देगा बट आप अपने लैपटॉप पे करेंगे तो। फिर ये हमारा एनिमेशन इस तरीके से गया, तो ये हमारा अब ट्रांजिशन है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में ट्रांजिशन, ये फेड आउट, फिर ये डिसॉल्व, और ये हमारा इस तरीके से टेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। इस तरीके से आप लोग अलग अलग किस्म का आपने उसके अंदर एनिमेशंस डालना है। ये हमने एनिमेशंस किया, तो ये ट्रांजिशंस हैं। आप हर एक को एक एक करके याद रखना है कि वो स्लाइड ट्रांजिशन है ये किस तरीके से, और जब आप यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसके अंदर पूरी की पूरी स्लाइड को भी ये आपको दिखाएगा कि इस तरीके से आपने किया तो विद इन कैसे ट्रांजिट हो रहा है वो इमेज। ये डिसॉल्व और ये क्लॉक आप करते हो तो वो उसको पूरे स्लाइड को कैसे उसके अंदर जाएगा, या रिपल, ये प्रेजेंटेशन के अंदर इस तरीके से रिपल दिखाएगा। और इसको वैसे देखो आप तो ये बस एक चीज का है एनिमेशन, जितने ट्रांजिशन आप डालोगे तो, और यदि आपको जब आप प्रेजेंट कर रहे हो और आपके टीचर ने बोल दिया आपके पास केवल 3-4 मिनट हैं जल्दी जल्दी खत्म करो, तो ये एक इशू है कि ये उतना टाइम लेगा जितना आपने ज्यादा एनिमेशंस डाले हैं। तो एनिमेशंस होते, अब ये देखो ये था रिपल इफेक्ट, तो उस तरीके से आपको ये दिखाई देगा कि किस तरीके से आप उसमें डालते हो। तो ये आप ध्यान रखना है, आपने बहुत ज्यादा ट्रांजिशंस या बहुत ज्यादा एनिमेशंस आपकी स्पीड को स्लो कर देंगे, लगते तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मूवी जैसा इम्पैक्ट देगा वो, कि जैसे कोई आपने कोई प्रेजेंटेशन, वीडियो काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो, लेकिन आपको फिर वो जितनी देर तक वो उसके अंदर वो स्टे होना है उससे पहले आप खत्म नहीं कर पाओगे। एक तो इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट चीज ये है, फिर दूसरी चीज उसके इसमें आपको एक ध्यान देने की है कि कभी कभी आपको ये प्रेजेंटेशन औरों के साथ शेयर करनी है, तो जब आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दोगे तो एनिमेशन और ट्रांजिशन सारे खत्म हो जाएंगे, जो उसका लेआउट है, डिजाइनिंग है, कलर है, टेक्स्ट है, वो सारी चीजें रहेंगी, लेकिन जब पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई तो ये एनिमेशन और ट्रांजिशन ये सारा उसमें खत्म हो जाएगा, क्योंकि पीडीएफ एक स्टैटिक फाइल होती है, वो चेंज नहीं होगी, प्रेजेंटेशन डायनामिक है, वो उसके अंदर से आपको चीजों को चेंज करता रहेगा। ये इसके अंदर एक और आप ऑप्शंस कर सकते हो, जैसे ये आपने किया तो आप कई बार वो जैसे किताब वाला हम वो दिखाते हैं तो पील ऑफ इस तरीके से ये पेज में जाएगा, तो जैसे आप ये करो फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड, जैसे बुक पेज आप टर्न करते हैं वो, और इसका ये प्रीव्यू है, यहाँ से आप करेंगे तो ये इसी स्लाइड में आपको उसका प्रीव्यू दिखाई दे देगा। तो कोई एक्शन कैसे होना है आप सीधा यहाँ से उसका आप प्रीव्यू भी करके देख सकते हो।
तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस ग्राफिक के ऊपर कैसे क्या चीज़ डाली। ठीक है, ये इसके ऊपर किया हमने, ये यहाँ पर ये वाला डाला था, और इसके अंदर हमने बबल रिपल इफेक्ट वो हमने डाला। तो एनिमेशन ट्रांजिशन सिंपल हैं, आपने सिंपली जिस चीज़ को, जिस स्लाइड को, जिस टेक्स्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को, कोई भी इमेज वो की है उसको सेलेक्ट करो, और इनमें से उन ट्रांजिशंस की स्टेजेस को आप सेलेक्ट कर लो। और अब यहाँ पर ये आप देखो पिक्चर फॉर्मेट ये सिलेक्टेड है, और इसका स्मार्ट आर्ट टूल कि यदि आपने उसको और उसके अंदर कोई डिजाइनिंग डालनी है, उसका कलर चेंज करना है, ग्राफिक को रीसेट करना है, कन्वर्ट करना है, ये उसके ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आप बाहर क्लिक कर दोगे तो वो सब डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये हमारा ट्रांजिशन आ गया। अब एक इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप ये चाहते हो कि यहाँ पर हम अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी हैं, जैसे इक्वेशंस एडिटर, तो ये एरिया ऑफ सर्कल, जो आप में से जो वैसे आप सारे अकाउंटेंसिंग फाइनेंस में हो तो वहाँ पर भी आपको इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इस तरीके से इक्वेशंस में आप सिंपली वो जो सिलेक्टेड कर रखा है उसको क्लिक करके आप वो कर दो, और ये इतने सारे, जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया, ये आपको ये रिबन के अंदर इक्वेशन एडिटर एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, जैसे मान लीजिए आपने प्लस माइनस को क्लिक करना है, तो ये आपने सेलेक्ट किया तो ये इधर प्लस माइनस देखो आप उसके अंदर टाइप हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ये आपने सेलेक्ट किया, और ये इधर यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखते हो ए प्लस बी इज इक्वल टू, एंड आप यहाँ पर चाहते हो कि अब आपने कोई इक्वेशंस वगैरह उसके अंदर वहाँ से ही जानी है, तो आप इक्वेशन या सिंबल्स तो उसको क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये अब आपसे कह रहा है टाइप इक्वेशन हियर। सो आपने लिखा कि फ्रैक्शन और dx dy, फिर उसके बाद उसका इनफाइनाइट और वो, तो ये आपका इक्वेशन बन गया जिसको आप चाहो तो उसका आप साइज बड़ा कर सकते हो, और उसको जहाँ कहीं पेस्ट करना है वो आप पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप उसके अंदर अपनी इक्वेशंस ऐड करनी है। तो जो भी फार्मूला है मैं आपको सिंपली केवल उसका एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखो आप जब हम इसको बाहर क्लिक किया, अब ये सिलेक्टेड नहीं है तो वो अनहाइड है, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इक्वेशन टूल्स और ड्राइंग टूल्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दीज इक्वेशंस और सिंबल्स, मान लीजिए आपने कुछ बनाया है तो आपको उसका टिक मार्क दिखाना है तो ये टिक मार्क आ जाएगा, इन्फिनिटी, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एक्सक्लेमेशन, अल्फा, और ये जो बैक एरो, डबल फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, इज इक्वल टू, लेस देन, ये सभी सिंबल्स आपको यहाँ से इसमें मिल जाएंगे। देन इफ़ यू नीड सर्टेन काइंड ऑफ ब्रैकेट्स, तो जो भी आपको उसके अंदर डिस्प्ले कराना है, कोई चीज़ डालनी है, सो वो आप वहाँ पे उसमें जैसे ये और बी हमने टाइप किया वो हमें एक्टिवेटेड रहेगा। तो ये इस तरीके से आप उसको करोगे। एक मिनट होल्ड करना प्लीज। सॉरी, वो सोसाइटी में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वो लोग आ गए थे। कोई सर कोई और
ओके तो ये हम इस तरीके से हम इसमें अंदर आप में जब आप अपना फाइनेंस में अकाउंटिंग सिंह में कुछ इक्वेशंस वगैरह लिखेंगे तो आप इस तरीके से इक्वेशंस बहुत ऑप्शंस हैं आप इनको इंसर्ट टैब में जाओ और ये तो एक तो ये हमने ये किया। उसी तरीके से आप हेडर एंड फुटर अपने प्रेजेंटेशन के अंदर जब आप करते हो तो ये एक अच्छी चीज़ वहाँ पर आपको आएगी। जैसे हम स्लाइड नंबर डालना चाहते हैं या फुटर डालना चाहते हैं, फुटर होता है पेज के बॉटम में। अभी आप ये देखो जब मैं स्लाइड को प्रेजेंट, पहले मैं इसको कैंसिल करता हूँ और फर्स्ट स्लाइड पे गए और हमने प्रेजेंटेशन किया तो अभी इसमें स्लाइड नंबर नहीं है कहीं पर भी। आप जितने भी ये देखोगे तो पेज नंबर नहीं है, लेकिन ज़रूरत आपको क्या पड़ सकती है कि आपको यदि ये याद रखना हो कि कौन सी स्लाइड पर आपने क्या बोलना है तो आप अपने नोट्स बनाकर रखते हो जो आप पढ़ अपने साथ रख सकते हो, हाथ से लिखा, कंप्यूटर का प्रिंट आउट लिया, जो भी आपके नोट्स जो हैं। तो ये स्लाइड के नीचे आप यहाँ देख रहे हो दिस इज योर एरिया टू ऐड नोट्स। एक तो ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है इसके अंदर। आप यहाँ पर आप यहाँ जैसे फर्स्ट स्लाइड में गए तो इधर आपने यहाँ पर आप लिख सकते हो हेलो स्टूडेंट्स यू आर वेलकम टू दिस सेशन वेयर वी शैल स्टडी, तो जो भी आपने उसको एक्सप्लेन करना है वो, तो ये नोट्स हो जाएगा। इसमें फायदा क्या होता है कि जब आप स्लाइड को प्रेजेंट कर रहे हो तो ये टेक्स्ट आपको यहाँ से हेल्प करता है याद दिलाने की कि आपने क्या बोलना है। ये टेक्स्ट आ गया आपका, तो इस तरीके से आपने उस या आपने कागज के ऊपर अपने पॉइंट्स लिख लिए और उधर से आप उन चीजों को आप अपने पास रखे हुए हो। लेकिन आपको ये बाद में मान लीजिए आप चौथी पांचवी स्लाइड पर चले गए तो अब आपको ये नहीं पता कि ये कौन से वाली स्लाइड है अनलेस आपने हेडिंग वगैरह में लिख रख। उसके लिए ये एक अच्छी चीज होती है कि आप स्लाइड नंबर इंसर्ट कर लें उसके अंदर। जैसे हम अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर डालते हैं तो उसके लिए यहाँ से ये आएगा हेडर एंड फुटर का ऑप्शन। तो ये है स्लाइड नंबर, और स्लाइड नंबर भी आपने डालना है तो किस पर, एक एक अकेली इस पर या अप्लाई टू ऑल। ये आपने अप्लाई टू ऑल करेंगे तो अब ये देखो अब ये छोटा सा इधर इसका पेज स्लाइड में आ गया नंबर, और आप इसको सेलेक्ट करके अब ये फॉर्मेट है इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हो, कलर दे सकते हो ब्लैक एंड इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो फिल, और इसको आपने सेलेक्ट किया और आप चाहो तो इसके साइज को बड़ा कर दो, ये ऐसे देखो ये आपने किया। तो जब आप इसको प्रेजेंट करोगे तो ये आपको इधर स्लाइड नंबर दिखा रहा है। उसी तरीके से दो स्लाइड, तीन स्लाइड, और वो आपको हर स्लाइड का नंबर दिखाता जाएगा। वो एक इजी हो जाता है आपको याद रखने के लिए। यहाँ पर मैंने इसको किया तो इसने खाली एक, और आप इसको चाहो तो आप इसको इसकी प्लेसमेंट कहीं पर भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ये इधर आ जाएगा, आप इसकी लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन करेंगे ऊपर वाले रिबन में से तो वो उधर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अभी ये केवल एक स्लाइड के ऊपर इफेक्ट है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा पहली स्लाइड पर ये पेज नंबर मुझे यहाँ दिखा रहा है, तो मैं दूसरी स्लाइड पर जाऊँगा तो वो मेरा उधर रहेगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो हमने उसमें किया। आपको इनको चेंज करना है तो सबसे अच्छी चीज़ आप याद रखो, पिछली क्लास में जब हमने अमनप्रीत को रिक्वेस्ट किया था कि वो शेयर करे, आपको दिखाया था व्यू के अंदर स्लाइड मास्टर, यहाँ से आप जो चेंज करोगे वो सभी स्लाइड्स के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। और ये हैं इधर इसका, आप इसको करेंगे तो ये डेट आ जाएगी, ये फुटर है, इधर आप जो भी लिखेंगे वो हर एक उसके अंदर चला जाएगा, और यहाँ ये पेज नंबर है। तो इससे आप इधर लिखेंगे मान लो पेज नंबर, ये किया और वो एक दो तीन चार वो अपने आप ले लेगा। फुटर के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज, ठीक है। और ये आपका डेट का फॉर्मेट है, वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम की डेट लेता है। जैसे आज 13 जनवरी है
तो वो 13 जनवरी उसको आपने सेलेक्ट करके, और यदि आप दूसरा वैसे भी लिखना चाहें तो 13 Jan 2021, और ये मास्टर स्लाइड हमारी वो सेव, और फिर उसको आप सेलेक्ट करके इंसर्ट और हेडर एंड फुटर, ये डेट एंड टाइम आपने सेलेक्ट किया वो कौन सा उसके अंदर दिखाना है, स्लाइड फुटर एंड अप्लाई टू ऑल, तो वो जो आप कर, अब ये हर स्लाइड के ऊपर आपको दिखता चला जाएगा, जैसे ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और उसी तरीके से हमारा, आप देखो स्लाइड मास्टर में वापस व्यू के अंदर जाएंगे एंड स्लाइड मास्टर, ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है, पेज नंबर हमारा इधर है, हम ये चाहते हैं कि पेज नंबर हमारा इधर आ जाए और डेट उधर चली जाए, और ये इधर किया, और मैं चाहता हूँ कि ये अभी राइट में है इस बॉक्स के अंदर, लेकिन ये लेफ्ट में हो ये, और इसका मुझे साइज थोड़ा सा बड़ा चाहिए ताकि वो इजीली नज़र आता रहे, तो ये इधर इसको शिफ्ट किया, वापस इसको सेव कर दो क्लोज मास्टर व्यू को करके, तो ये आपने ये सेव, अब आप ये देखो ये बड़े साइज में, पहले वाला तो वो उसके हिसाब से जा रहा है, नेक्स्ट हमारा पेज नंबर इधर, पेज नंबर 2, पेज नंबर 4, और ये आपको हर स्लाइड के ऊपर तीनों चीज़ें आपको फुटर, डेट और स्लाइड नंबर सभी के सभी उसके ऊपर आ जाएंगे ये। फिर दूसरी चीज़, आपको स्लाइड में जब आप ये चाहते हो कि कितने साइज की आपको स्लाइड सेलेक्ट करनी है, वापस व्यू स्लाइड मास्टर, और ये यहाँ पर इसके अंदर इसका है बैकग्राउंड स्टाइल, आप यहाँ से हर स्लाइड के ऊपर यदि आपने कोई एक स्पेशल कलर डालना है वो इस तरीके से कलर आप चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट बैकग्राउंड कलर, तो इट विल बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल दी स्लाइड्स, वो पूरा उसके अंदर वो इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ से स्लाइड मास्टर में आप जो भी काम करेंगे वो पूरी स्लाइड्स के ऊपर एक्टिवेट रहेगा। अभी आप देखो टाइटल एक्टिवेट है वो है, और हाइड करना है इसको, इफेक्ट डालना है उसके अंदर, तो कौन सा उसके एज ग्रो करने हैं वो आप देख सकते, ये एक इसका है कि आपकी स्लाइड साइज क्या रहेगी। नॉर्मली आजकल के जो लैपटॉप और कंप्यूटर्स के जो प्रोजेक्टर्स हैं उनके ऊपर वाइड स्क्रीन, जैसे मूवीज के ऊपर आप देखते हो वाइड स्क्रीन, वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट लगता है, और आप चाहो तो स्टैंडर्ड साइज भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड साइज के अंदर स्लाइड का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो वो ये आपसे पूछ रहा है कि फिट या मैक्सिमम वो करेंगे, तो अब आप ये देखो वो स्लाइज का साइज का हमारी स्लाइड छोटी हो गई, तो ये अब आप याद होगा छोटी साइज हो गई स्लाइड की, तो इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट को जब आप करोगे तो वो प्रेजेंटेशन में जो हमारा दूसरा फॉर्मेट है दैट 16:9 दैट गिव्स ए बेटर पोर्शन, सो लेट्स क्लिक इट 16:9 एंड ऑल दी स्लाइड्स विल बी विद दैट, सो 16:9 एंड सेव, सो वी आर बैक, तो ये बड़ा हो गया उसके अंदर, ठीक है। ये हमने इसमें स्लाइड्स को किस तरीके से साइज उसका रीएडजस्ट करना है, और आप चाहो तो आपको लगता है कि कोई स्पेशल आपको साइज चाहिए, सो यू कैन फॉर्मेट दी साइज डिपेंडिंग ऑन कि आपको उसमें कौन सा डिज़ाइन में जाकर, और स्लाइड साइज एंड यू कैन मेक इट ए कस्टमर साइज आल्सो, आप अपने हिसाब से विड्थ को और उसको चेंज कर सकते हो, और कहाँ से वो एक्टिवेट हो, मान लीजिए आप ये कहते हो कि आपको स्लाइड नंबर 1, 2, 3 मेरा ठीक है और पांचवी स्लाइड से मुझे उसको चेंज करना है, तो स्लाइड 5th ऑनवर्ड, पहले वाली में हमारा ये डायग्राम है, और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मेरी स्लाइड का जो साइज है वो एक बैनर टाइप में कन्वर्ट हो जाए, और ये उसका विड्थ है, और ये पोर्ट्रेट में रहे कि लैंडस्केप में रहे, स्लाइड पोर्ट्रेट, और उस तरीके से आप उसको करेंगे ओके एंड मैक्सिमाइज, सो ये देखो आप वो उस तरीके से उसने उसको स्लाइड को चेंज कर दिया, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको फिर दिखाना चाह रहे हो। अब आप ये जाएंगे
तो वो उस तरीके से उसको वो चेंज कर देगा। तो साइज आपको उस हिसाब से उसमें एडजस्ट करना है, ये और ये आप इसको व्यू करेंगे तो ये हमारा व्यू स्टाइल आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कस्टमाइज दिस साइज। नाउ लेट अस कम बैक टू होम एंड आवर साइज। सो लेट अस चेंज, इंसर्ट एंड व्यू। रूलर आपने ऐड करना है तो ये आपको टेक्स्ट को कैसे प्लेस करने हैं उसमें आ जाएगा। ग्रिड लाइंस अच्छी होती है जो आपको किसी पर्टिकुलर टेबलर फॉर्म में किसी चीज को डालना हो तो आप ग्रिड लाइंस को भी आप एक्टिवेट कर सकते हो, वो काफी आपको हेल्प करेगा वो उसको अपने टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने के अंदर। तो ये इसकी इस तरीके से हम चीज़ों को ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब मैं इसको अभिनव, ठीक है। सो ओके, अभी सभी लोग आ गए हैं। तो ये है और इसमें नेक्स्ट टाइम पर हम क्या करेंगे, बाकी ये और जितनी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है, अभी जैसे मैं ये काम करता हूँ कि ये इसके जितने भी एक्शंस थे ये हम क्लोज करते हैं। और अब यह आपने ये देखो, ये हमारा टेक्स्ट का स्लाइड आ गया साइज एंड यू कैन मेक इट। सो दिस इज द ग्रिड, ग्रिड ये आपको दिखाता है कि किस एलिमेंट को आप कहाँ पुट कर सकते हो वो। तो ये हर एक चीज़ के अंदर, तो आपको लगता है कि ये आपने इस बॉक्स से इस बॉक्स में किसी चीज़ को फिट करना है और कहाँ पर चीज़ जानी है वो आपको डिज़ाइनिंग में हेल्प करेगा। ये आ गया। और बाकी इंसर्ट नेक्स्ट टाइम पर हम करेंगे, मीडिया कैसे ऐड की जा सकती है हमारी स्लाइड के अंदर। और जैसे ये आपने एक स्लाइड बना ली, अब आप ये चाहते हो कि इसको एक्सप्लेन करना है तो आप अपना ऑडियो और वीडियो भी उसमें ऐड कर सकते हो। ये ऑडियो आप करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है या कंप्यूटर के अंदर जो ऑडियो है वो कैसे उसके अंदर ऐड हो जाए। तो आप अपना रिकॉर्ड ऑडियो को क्लिक करेंगे तो ये आपसे माइक्रोफोन वगैरह को रिकॉर्डेड साउंड नेम पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर आप इसको नाम दे सकते हो SVS1 और नेम रिकॉर्ड, एंड अभी आप जो बोलोगे वो रिकॉर्ड होता चला जाएगा। ये उसका टाइम बता रहा है कितने सेकंड तक वो चीज़ आ गई, और जब आपको पॉज करना है तो आप यहाँ से उसको पॉज कर दीजिए और उसको आप ओके करोगे तो वो सेव हो जाएगा और वो उसके प्रेजेंटेशन में एम्बेड हो जाएगा। तो दिस वी विल डू नेक्स्ट टाइम, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस का भी मिल जाए उसी तरीके से वो। और ये होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये आपकी प्रेजेंटेशन को वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर देगा, बट वो आपको देखना है कि यदि आप में से किसी के पास पुराना एक्सेल का इसका पावर पॉइंट का वर्शन है तो कुछ फैसिलिटीज पुराने वर्शंस में नहीं है, तो जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है उसके अंदर वो चीज़ों को ऐड करते हैं वहाँ से। तो दीज आर दी ऑप्शंस विच यू कैन एक्सप्लोर इट फर्दर। ओके, सो नाउ आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन शेयरिंग और कोई क्वेश्चंस। आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली होगी सभी ने, चलो वेरी गुड। ओके, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन रिकॉर्डिंग नाउ।